के नाम से इस्लाम पे विदादा मोहम्मद अली जना साथियों जनाब साथ बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से जिस दिन तारीख ने जन्म लिया। अरे कौन जानता था कि कराची पे पैदा होने वाला बच्चा जो ताला भी नम होगा तो मेरे में उसका कोई सर ना होगा। अरे कौन जानता था कि वो वकील होगा तो बादल के वन हुए लड़ा तारी कर देगा। अरे कौन जानता था कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मसीहा बनेगा। कोई काबिल हो तो हम शान का ही देते हैं, दुनिया वालों का दुनिया भी नहीं देते हैं। कायद आजम ने अपनी कोशिशों लगन और बेतना मेहनत से मुसलमानों को हिंदू और अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई। कायद आजम उस्मानी सियासत का वो रोशन सितारा है जिनकी किरणें आज भी पाकिस्तान की सूरत में इस सालम को मुनव्वर कर रही है। कायद आजम ने फरमाया कि दुनिया में दो कुवते हैं, एक तलवार और एक कलम। कलम तलवार से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अपने इलम को अपने मुल्क में बढ़ाए और आपको कोई शिकस्त नहीं देख सकता। मगर क्या करे बेअसर हो गए सब हर विनवा तेरे बाद, क्या कहे जो दिल का अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देह को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। और क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब ना संभाला गया तेरे बाद। पैसे दो या मजम करे कि अपनी कोशिशों लगन और मेहनत से पाकिस्तान को उस मंजिल पर पहुंचाए जिसका ख्वाब कायद आजम ने देखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद। शुक्रिया।